आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे की जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो है, और मिड डे की सबसे ताजा खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रचने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियार इकट्ठा करने के आरोप में पुणे पुलिस ने एल्गार परिषद मामले 10 माओवाद समर्थक आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 5160 पन्ने का आरोप पत्र दायर किया है। आपको बता दें कि यह सभी आरोपी भीमा कोरेगांव मामले में भी शामिल थे। और मिड डे की अगली ताजा खबर महिलाओं को लेकर आ रही है, जहां केंद्र सरकार महिला कर्मचारियों की हायरिंग और मैटरनिटी पीरियड के दौरान उनके रोजगार को बचाए रखने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में संशोधन के बाद कंपनियों से महिला कर्मचारियों की छटनी करने की खबरें सामने आई हैं। और मिड डे की अगली ताजा खबर राजस्थान से आ रही है, जहां राजस्थान में सीएम वसुंधरा राजे और राजपूत समाज के रिश्ते में आई तल्खी के बीच अब भाजपा राज्य चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए राम के नाम पर राजपूतों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में करीब 12% राजपूत मतदाता है, जो तकरीबन 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। और मिड डे की अगली ताजा खबर कांग्रेस को लेकर आ रही है, जहां कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने 152 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस टिकट को लेकर जारी सस्पेंस भी खत्म हो गया है। और मिड डे की अगली ताजा खबर सबरीमाला मंदिर को लेकर आ रही है, जहां केरल में आज खुल रहे सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के लिए महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई केरल पहुंच गई, लेकिन भगवान अयप्पा मंदिर में महावरी आयु वर्ग वाली महिलाओं के प्रवेश का विरोध कर रहे श्रद्धालुओं के प्रदर्शन के कारण वह घरेलू टर्मिनल में ही कैद हो गई है। और मिड डे की अगली ताजा खबर रिजर्व बैंक से आ रही है, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व खजाने को हथियाने की कोशिश करने के आरोपों के बीच वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आपातकालीन परिस्थिति के लिए आरबीआई को कितनी पूंजी की जरूरत है, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। और मिड डे की अगली ताजा खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तराखंड भाजपा के संगठन महासचिव संजय कुमार पर एक महिला ने मीटू के तहत उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस बीच आरोपी नेता को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला पार्टी के दफ्तर में डेटा एंट्री का काम करती थी। और मिड डे की अगली ताजा खबर गायक टीएम कृष्णा को लेकर आ रही है, जहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जाने माने गायक टीएम कृष्णा का 17 नवंबर का कार्यक्रम रद्द करने के बाद दिल्ली सरकार अब उन्हें मंच देने जा रही है। आपको बता दें कि बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए मशहूर गायक टीएम कृष्णा कर्नाटक संगीत का जाना माना चेहरा है। और मिड डे की अगली ताजा खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनिल सोनी को चुनाव लड़ने की इजाजत है, लेकिन वह अपने क्षेत्र में प्रचार नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि यह प्रत्याशी आदतन अपराधी है, जिसके चलते प्रशासन ने इसे जिला बदर कर दिया है। और मिड डे की अगली ताजा खबर गाजा चक्रवाती तूफान को लेकर आ रही है, जहां तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान गाजा ने जमकर तबाही मचाई है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं में कई खंबे और पेड़ धराशायी हो गए हैं। इस बीच मुस्तैद प्रशासन ने करीब 80,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। तो ये थी मिड डे की ताजा खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।